सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फ्लिपकार्ट का यहाँ पर सेल आ चुका है और यहाँ पर ये चलने वाला है 13 मई से लेकर 16 मई तक, मतलब 4 दिन का आपको सेल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में क्या डील्स मिल रही है और कौन सा स्मार्टफोन का आपको देखना चाहिए, कौन से को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। फाइनली फ्लिपकार्ट का शॉपिंग डेज वाला सेल जो है वो चालू हो चुका है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर HDFC कार्ड पे आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड HDFC बैंक का है तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये आपके रिलेटिव में या फ्रेंड्स के पास है तो आप ये कार्ड को यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, कौन से को रिजेक्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर Honor 9 Lite की, तो ये आपको 9000 में तो नहीं मिलता, ये 10000 में मिलता है। उस सेल के साथ में वो बता रहे हैं 9000 में मिल रहा है ये आपको। ये फोन 11000 में, एक्चुअल इसका प्राइस है 3GB 32GB वाले वेरिएंट का। तो क्या ये फोन आपको 10000 में या आप कार्ड में, आप कार्ड से 9000 में लेना चाहिए तो डेफिनेटली आप ये फोन को परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो कॉम्पैक्ट साइज का फोन है। यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, डिजाइन बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, डिस्प्ले भी अच्छा है। तो यहाँ पर ये फोन को आप 10000 में परचेस कर सकते हो, कौन सा आप बोल सकते हो बहुत ही कम है तो यहाँ पर ये 9000-10000 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नोट 5 की, तो ये आपको सेल के बाद का ऑफर बता रहा है। आपको अभी इसका रेगुलर जो 12000 प्राइस है 12000 में ही आपको मिलेगा ये सिर्फ आपको, ये अगर आप HDFC के कार्ड से लेते हो तो आपको 1300 का, ये मतलब आप बोल सकते हो 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आईफोन ऐसी लेना चाहिए, नहीं भाई ये बिल्कुल भी मत लेना, एप्पल के अभी इतना ये पुराना मॉडल हो चुका है, इस बिल्कुल भी आपको फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। मोटो E4 प्लस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए भाई। ओप्पो F3 प्लस, ये डिवाइस की मैंने पर्टिकुलरली वीडियो बनाया था 22000 में जब 6GB वाला मॉडल लॉन्च हुआ था, अभी 17000 में आपको देखने को मिल रहा है। प्लस फ्लिपकार्ट का अगर आप सेल डालते हो तो 16-1700 का आपको और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो लगभग आपको 15000 के आसपास मिलेगा। तो भाई 15000 में ये भी डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पर आपको रियर कैमरा एज वेल एज फ्रंट फेसिंग कैमरा बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है, डिस्प्ले भी JDI का डिस्प्ले फुल HD है, बस आपको 18:9 का पैनल नहीं मिलता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट फोन बहुत ही बढ़िया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब यार एक चीज आपको बता दूं, सैमसंग का यार कोई भी फोन आप मत लेना, ये ऑन मैक्स है, ऑन नेक्स है, ये सब बिल्कुल भी गलती से मत लेना। सिर्फ सेल आपको ऐसा लगेगा भाई 4GB वाला 12000 में तो यार लेना नहीं, परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो Redmi 5 आपको 12 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा आज ही, तो लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी Note 5 Pro तो आपका जो वेडनेसडे को मिलता है वही है, सेल में तो ये नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फोन देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सैमसंग के फोन मत लेना यार कोई भी। और यहाँ पर अगर आप S8 की बात करते हैं तो S8 आपको 38000 में मिल रहा है, तो डेफिनेटली 38000 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है अगर आप सैमसंग लवर हो तो, वरना आप OnePlus 6 का यहाँ पर वेट कर सकते हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं S7X, भी यार बिल्कुल भी ये फोन मत लेना, थोड़ा पुराना हो चुका है, OnePlus 6 आ ही रहा है। ऑन 5 ये बिल्कुल भी गलती से मत लेना। Vivo V9 यार वही प्राइस है, कुछ ऑफर वगैरह नहीं है, ये सब मत लेना। ओप्पो वीवो के भी फोन मत लेना आप, क्योंकि कोई ऑफर आपको नहीं मिलता है। अब Pixel 2 XL की बात करें तो यहाँ पर भी वो दिखाने को तो 34000 यहाँ पर लिखा हुआ है, 35000, बट ये आपको यहाँ पर जाओगे बहुत सारे यहाँ पर झंझट है इसके बाद में होता है, तो प्राइसिंग आप सब पकड़ के चल सकते हो 43000 ही अभी यहाँ पर है। ये डिवाइस के बारे में आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे कि भाई इन्फिनिक्स का नोट 4 7000 में लेना चाहिए, तो भाई देखो ये फोन का मैंने रिव्यू पर्सनली कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग, गेमिंग रिव्यू, कंपैरिजन, हर चीज़ कर चुका हूँ। ये डिवाइस पर्सनली मैंने अपने लिए भी लिया था, बट ये डिवाइस आपको हर चीज़ बेटर मिलती है। बिल्ड क्वालिटी दिखने को ये फोन अच्छा दिखता है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी अच्छी है, साउंड अच्छा है, कैमरा अच्छा है, बट यहाँ पर जो उसका प्रोसेसर है MediaTek 6750 इतना पावरफुल नहीं है, गेमिंग वगैरह बिल्कुल भी आप ये फोन में मतलब लैग वगैरह करता है, तो परफॉर्मेंस आपको इतना नहीं चाहिए। आप कैजुअल यूजर हो, कैमरा और आपको गाने वाने सुनने का है और नेटवर्क चलाना है, तो डेफिनेटली ये फोन 7000 में स्टिल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको मिल जाता है, 7000 में वैल्यू फॉर मनी है अगर आप गेमिंग ज़्यादा नहीं करते हो तो। अब ये पैनासोनिक का भी फोन कोई भी मत लेना। मोटरोला का यार ये 16000 बता रहा है, बट इसका एक्चुअल प्राइस अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम प्राइस है, तो वो सब कुछ ऑफर वगैरह है नहीं, ये आपको एक्सचेंज वगैरह पे ऑफर है, ये डायरेक्टली ऑफर नहीं मिलता है। ये Zenfone 3S Max भी मत लेना, ठीक फोन है, इतना खास नहीं है।
ये टैबलेट वगैरह आ गया, आईफोन अगर आपको लेना है तो चेकआउट कर सकते हो, आईफोन पे अच्छी डील है। ओप्पो F7 ये बोल रहे कि ये 30,000 रुपये में आपको मिलेगा, यहाँ पर ही कुछ कैलकुलेशन करके दे दिया, ये तो मेरे को पता है किसको भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा। अब देख लो अगर HDFC में ऑफर वगैरह चल रहा है तो ट्राई करो, वरना वही प्राइस है आपको ये 22,000 में मिलेगा। अब ये पैनासोनिक का मत लेना, इन्फिनिक्स हॉट S3 में ऑफर तो नहीं है, बट ये 9,000 में कमाल का फ़ोन है, कॉम्पैक्ट साइज का है, सेल्फी लवर लोग के लिए, 18:9 का डिस्प्ले, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड है, 4000 mAh की बैटरी है, तो 9,000 में अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो ये भी डिवाइस ले सकते हो। Honor 10 अभी यहाँ पर लॉन्च होने वाला 16 तारीख को, देख लेते हैं Honor इसकी प्राइसिंग क्या रखता है। अब Lenovo का ही K8 Plus अभी बिल्कुल भी मत लेना, कैनवास नहीं लेना, मेजू नहीं लेना, iWoo भी मत लेना, और यहाँ पर Z2 Force भी गलती से मत लेना। Mimix 2 अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 128 GB वाला वेरिएंट आपको यहाँ पर 28,000 में मिल रहा है, तो अच्छा फ़ोन है यार, डिज़ाइन वाइज बहुत ही बढ़िया है, कैमरा अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, तो ये फ़ोन भी आप देख सकते हो। Honor 8 Pro की बात करें तो अगर आपको स्टोरेज वगैरह ज़्यादा चाहिए, एज वेल एज यहाँ पर आपको 18:9 से मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस कैमरा वगैरह आपको बढ़िया चाहिए, तो 21,000 में ये फ़ोन भी बुरा नहीं है, 128 GB की स्टोरेज है, 6 GB रैम है। Nokia 8 0 को जाना यार गलती से भी मत देना, 50,000 वेस्ट करने से अच्छा एसेट वगैरह अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो तो आप वो ले सकते हो। अब ये सब चीज़ ये सब फ़ोन मत लेना, सिर्फ इसमें से मैं आपको एक फ़ोन रिकमेंड करूँगा, स्मार्टफोन का T4P। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए, 5.2 इंच का डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर अगर आपको Redmi 4 आपको पसंद है, बट Redmi 4 का आपको कम प्राइस पॉइंट के साथ चाहिए, बैटरी बढ़िया चाहिए, तो डेफिनेटली ये फ़ोन भी आप देख सकते हो, स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आपको देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स का 05, ये भी फ़ोन मैं आपको बहुत ही अच्छे से रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि कैमरा यहाँ पर आपको कमाल मिलता है, बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी है, प्रोसेसर भी डिसेंट है, तो ये 16,000 में आपको देखने को मिल रहा है, और 128 GB वाला वेरियंट ऑफर में नहीं है, बट वो भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। बाकी ये 3 फ़ोन तो बिल्कुल भी मत लेना, यहाँ पर ये चारों फ़ोन मत लेना, और यहाँ पर ये सेल ख़त्म हो चुका है, और फ्लिपकार्ट के कुछ ऑफर्स वगैरह है और लैपटॉप वगैरह का है, तो यहाँ पर जो जो मैंने फ़ोन आपको रेकमेंड करा उसमें से आप परचेस कर सकते हो। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दूंगा फ्लिपकार्ट की, वहाँ से अगर आप जाके इसमें से कोई भी फ़ोन परचेस करते हो तो आपकी तरफ से मुझे या चैनल को हेल्प हो जाएगी, आपको तो वही प्राइस पॉइंट पे मिलेगा बट मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। गाइस आई होप कि मेरी तरफ से आपको ये वीडियो प्रोज और कॉन्स वाली पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।